महा आयोजन की महा तैयारी आपको जल्दी से दिखा रहा हूँ। पीछे तो बड़ा सा टेंट आप देख रहे हैं लगा हुआ है, और देखिए जल्दी से व्यवस्था। ये देखो चूंटियाँ की चक्कियाँ वॉर लेवल पे बन रही है। ये हमारे कंदोई साहब हैं। युद्ध स्तर पे तैयारियां जारी है। रीट के जितने भी विद्यार्थी हैं जो बाहर से आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्राइवेट और रोडवेज बसेस भी उनके लिए निःशुल्क कर दी है। इंदिरा रसोई का खाना भी आपको मिलने वाला है। ये देखिए आलू कट होके पानी में रख दिए गए हैं, और आलू को पहले तेल में अच्छा सा फ्राई किया जाएगा जिससे कि खराब नहीं हो। पूरा विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। युद्ध स्तर पे पूरी तैयारियां सारी चल रही है। नमस्कार नमस्कार सबको नमस्कार। बहुत बड़े स्तर पर सब व्यवस्था में लगे हैं, सब ने इसको चैलेंज के रूप में लिया है। हमारे जोधपुर में एक साथ 60,000 जनों का खाना ही पहली बार बन रहा है, कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये देखो मिर्ची का कूटा के लिए मिर्ची आ गई है, ठीक है। तो पूरी युद्ध स्तर पे व्यवस्थाएं सब चल रही है। बड़ा चैलेंज होने वाला है। आ गया जयपुर से, आ गया मैं जयपुर से आ गया। यस जितने भी रीट के विद्यार्थी हैं उन सबसे निवेदन है कि बहुत आराम आराम से जाएं, सुरक्षा के साथ जाएं, चिंता नहीं करें तनिक भी, और हॉस्पोल्स नहीं हो। आप सभी भावी शिक्षक हैं, पूर्ण अनुशासन के साथ में, मतलब जहाँ जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ की जनता को, आम लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि वाह ये है देश के भावी कर्णधारों के निर्माता। इस चीज़ का ज़रूर ज़रूर आप लोग ख्याल रखें कि कोई भी हमारे कारण से डिस्टर्ब ना हो, पूरे अनुशासन के साथ आप जाएं और बहुत मज़े मज़े के साथ जो है अपना एग्ज़ाम आप दें। तो आप देख पा रहे हैं तैयारियां बहुत वृहद स्तर पे है, और 60,000 जनों का भोजन एक ही जगह पर। ये जोधपुर में लाल सागर स्कूल है, आदर्श विद्या मंदिर स्कूल, वहाँ पर ये बड़ा सा भोजनालय है और वहाँ ये पूरा भोजन जो है वो बन रहा है। ओके तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं जोधपुर के अंदर रविवार को, और सारे विद्यार्थियों को जो है जिनका जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में सेंटर आया हुआ है वहाँ तक भोजन पहुँचाने की व्यवस्था वो हम कर रहे हैं, लेकिन वितरण की व्यवस्था जो है जिला प्रशासन जोधपुर, नगर निगम जोधपुर जो कर रहे हैं। नगर निगम जोधपुर दक्षिण के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं श्री अरुण जी पुरोहित, और उत्तर के जो अधिकारी हैं राजेंद्र जी कविया, वो दोनों भी बधाई के पात्र हैं बहुत सुंदर व्यवस्था के लिए। इसके अलावा जोधपुर के कलेक्टर, जोधपुर के पुलिस कमिश्नर इत्यादि सभी इस व्यवस्था को शानदार बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। हो सकता है मेरी आवाज़ आपको उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बस एक संदेश देने के लिए कि मैं जयपुर से आते ही सबसे पहले सीधा मैं यहीं पर भोजनशाला में आया हूँ कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, जिससे कि मुझे एक शांति मिले। और लगभग हमारे 500 कार्यकर्ता जो है वो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। कल शाम को भोजन पैकेट बनना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत युद्ध स्तर पे ये पूरा काम होने वाला है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।